भारत की आजादी का 75वां वर्षगांठ शहर तथा गांव में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जश्न आजादी के अवसर पर मधुपुर शहर के गांधी चौक पर सूबे के मंत्री हफीजुल हसन ने ध्वजारोहण किया। इससे पूर्व मंत्री व एसडीओ ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 75वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मधुपुर उप कोषागार, थाना, नगर परिषद विद्युत कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडलीय अस्पताल, रेडक्रॉस सोसाइटी शाखा, महाविद्यालय, आरपीएफ, जीआरपी, पोस्ट ऑफिस सहित अन्य कार्यालयों व निजी संस्थानों में कोविड 19 का पालन करते हुए झंडा तोलन किया गया। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद रवानी, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार सिन्हा, कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा, अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा, प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह, विद्युत कार्यपालक अभियंता सरताज कुरैशी, सहायक अभियंता रोशन कुमार, अंचल पुलिस निरीक्षक रामदयाल मुंडा, थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक, रेणु कुमारी उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, डॉक्टर इकबाल खान समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एवं मधुपुर थाने के पुलिस जवान मौजूद थे। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।